तरन तारण के कस्बा पट्टी विखे NRIs के सहयोग नाल बाबा दीप सिंह जी चैरिटेबल संस्था वालों कोरोना वायरस के चलदियां किरती दे जरूरतमंद परिवारां लई लगातार पिछले एक महीने तो घर घर लंगर पहुंचाया जा रहा है। जिस संबंधी संस्था के सेवादार ने जानकारी दिंदियां दस्या के असी वख वख इलाकियां दे करीब 450 परिवारां नूं रोजाना लंगर दिता जा रहा है अते ड्यूटी दे तैनात पुलिस कर्मचारियों नूं भी लंगर छकाया जांदा है। बाबा दीप सिंह जी चैरिटेबल ट्रस्ट पट्टी और नाल तन तन बाबा दीप सिंह जी शहीद कीर्तन दरबार सोसायटी पट्टी वालों 23 मार्च तो गुरु साहब की कृपा दे नाल और पट्टी निवासी संगत के सहयोग के नाल NRI वीर भैणों के सहयोग के नाल गुरु का लंगर ये मुसीबत की कड़ी जो इस वेले कल पंजाब ते नहीं हिंदुस्तान ते नहीं वर्ल्डवाइड चलती पई है जिन्हों ना मिलिया करोना वायरस का महामारी जी है जी। बहुत ऐसे किरती परिवार है दिहाड़ीदार परिवार ने महातड़ परिवार ने और प्रवासी परिवार ने जोड़े रोज़ की कमाई के नाल डिपेंडेंट सके कि सवेरे मेहनत करनी तो शाम को उस घर का गुजारा करना पर आल ओवर लॉकडाउन होण करके कारोबार बंद हो गए हैं जिन्हों वेखदिया पट्टी शहर दिया संस्थावां और होर भी पंजाब जिहड़ियां संस्थावां ने अपने अपने पद्धर दे उत्ते इन्हां लोड़वंद किरती परिवारां वास्ते 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर रहे हैं जी। 23 मार्च तो गुरु साहब की कृपा दे नाल बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट और तन तन बाबा दीप सिंह जी शहीद कीर्तन दरबार सोसायटी वालों 450 परिवार की जिम्मेवारी साढ़े को जी। पैकिंग सिस्टम रख्या होया वा क्योंकि है गुरु का लंगर दिशा नूं थोड़ा जिहा चेंज किया गया वा प्रशासन दी हदायतां नूं जरूर फॉलो करीदा वा कि जिन्हें भी सेवादार ने वह ग्लव्स पा के मास्क पा के और ये सेवा कारज करन क्योंकि जिथे सेवा का कारज चलना उत्थे अपने आप नूं भी सेफ रखना है जी। पैकिंग सिस्टम आ कि इकट्ठ ना किया जाए जिहड़े परिवारां दी जिम्मेवारी लई होई आ उन्हां नूं असीं परची हैंडओवर कीती एक स्लिप बना के दिती है और साडे सेवादार जांदे ने उत्थे जाके अनाउंस कर दिंदे ने गली दे बाहर के सारे परिवार आपो अपनियां परचियां लैके अपने घर दे बूहे दे अगे आ जाओ। एक सेवादार साइन कर दिंदा दूसरा सेवादार उन्हां नूं पैकेट जिहड़ा वा गुरु के लंगर का हैंड ओवर कर दिंदा है। किन्ने दिन हो गए लंगर चलदे आ ते गांह किस तरह दा प्रोसैस है ते की सहयोग मिल रहा संगतां वल्लों? अज्ज गुरु साहिब दी कृपा नाल पूरे 30 दिन इहनूं हो गए ने जी। पहला 14 अप्रैल तक ये लॉकडाउन की अनाउंस होया सी उन्दे मुताबक चल रहा सी उस तो बाद 13 अप्रैल नूं इहनूं वधा के ते पंजाब सरकार वल्लों जिहड़ा 1-3 मई नूं कर दिता गया सीगा जी उन्दे मुताबक हुण 3 मई तक ये गुरु के लंगर की सेवा जारी रहेगी। उस तो बाद जो अगले पंजाब सरकार वल्लों आदेश आउंदे ने उन्नू वेखदिया प्रशासन दे नाल मीटिंग में विचार वटांदरा करके आपसी मैंबरां दे नाल असीं विचार वटांदरा करके ते अगली रणनीति नूं तैयार करांगे जी। जी बिल्कुल जी 23 मार्च तो गुरु साहब की कृपा दे नाल और संगत दे सहयोग दे नाल जिन्हें भी साढ़े पंजाब पुलिस के मुलाजम हैगे ने जवान हैगे ने जिहड़ा कि 0 लेवल दे उत्ते जाके लोगों नूं अवेयर भी करते हैं और बड़ी तनदेही दे नाल मुश्तैदी दे नाल ड्यूटियां निभा रहे हैं साढ़े तरन तारण जिले के माणयोग SSP साहब और DSP साहब पट्टी तो कवलप्रीत सिंह जी उन्हां दी योग अगवाई दे विच सारे ही जवान पूरियां ड्यूटियां निभा रहे हैं उन्होंने असी सारे जिथे भी नाके लगे ने पट्टी शहर के चारे पासे और DSP साहब के दफ्तर SDM साहब के दफ्तर उन्होंने सवेर के टाइम चाह ते ब्रैड का या रस का प्रबंध किया जाता है। दोपहर वेले सारे लिए प्रशादा लैके जाया जाता उस तो बाद एक टाइम असी उन्होंने चाह का भी लंगर पहुँचाने क्योंकि वह भी जिथे आप लोग घर रह के अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं वह साढ़े जवान 0 लाइन के उत्ते जाके मुलाजम जिन्हें भी है वो ड्यूटियां निभा रहे हैं सो उन्हां दी भी जिहड़ा वा सेवा का कारज सानू बहुत खुशी आ कि असी उन्हां दी इस मुसीबत दे विच किसी ना किसी तरीके सहयोग कर रहे हैं उन्हां दी मदद कर रहे हैं। हुण तक लंगर दे विच सहयोग कितना कितना पाया वा किस तरह आ रहा वा? पट्टी शहर की संगत का भी बहुत धन्यवाद आ साडे हल्के दे विधायक सरदार हरमिंदर सिंह जी गिल उन्हां दे धर्म पत्नी आए सीगे जी उन्हां वल्लों 50,000 रुपए का सहयोग किया सीगा उस तो बाद 10 क्विंटल आटा उन्हां वल्लों उन्हां दी प्रेरणा दे नाल और 2 क्विंटल दालां पट्टी शहर तो संगत ने सहयोग किया और बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दीयां सेवावां नूं जो साढ़े NRI वीर भैण भरा पिछले 16 सालों तो मनुखता की सेवा लई सहयोग करते उन्हां वल्लों भी इस मुसीबत की घड़ी दे विच इनसानियत के नाते गुरु के लंगरां वास्ते सहयोग किया जा रहा है जी।